जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट वार ही एजुकेशन परिवार में। गाइस, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो है कक्षा छठवीं 2023 प्रवेश परीक्षा का जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, प्रवेश परीक्षा का जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। तो डिस्कस करने वाले हम लोग कि कहाँ से अप्लाई करना है, कितनी सीटें हैं, आप लोगों की जो है स्टेट वाइज यहाँ पे सीटें डिवाइड कर रखा है। सारी की सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, और जो भी पेरेंट्स नवोदय में पढ़ाना चाहता है तो यहाँ पर हमारे चैनल में आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करवाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जो फॉर्म अप्लाई करना है वो कहाँ से करना है, तो ऑफिशियल साइट आप लोगों की रहेगी नवोदय विद्यालय समिति की। वो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या आप लोग अपना जो है कोई भी ऑनलाइन कैफे है वहाँ पे जाके फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। चलिए, ये देखिए आप लोगों की सीटें डिवाइड कर रखा है, टोटल 649 सीटें निकाला है इस बार कक्षा छठवीं के लिए। ओके, प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय में 649 सीटें यहाँ पे आप लोगों की है। देन देखिए, यहाँ पे स्टेट वाइज डिवाइड कर रखा है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। जिस प्रकार देखिए, मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पे कितनी टोटल सीटें डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पे लगभग 55 सीटें, 54 से 55 सीटें मध्य प्रदेश के लिए रखा है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के लिए अलग से रखा है, देखिए 33 से 34 सीटें महाराष्ट्र के लिए रखा गया है। देन आंध्र प्रदेश के लिए अलग से है 15 सीटें, अरुणाचल प्रदेश के लिए 17 सीटें हैं। इस प्रकार स्टेट वाइज यहाँ पे सीटें डिवाइड कर रख के रखा है, टोटल 649 सीटें। कितनी टोटल 649 सीटें हैं जिसके लिए प्रवेश परीक्षा यहाँ पे करवाना है यहाँ पे। ओके, देन गाइस आप देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप लोगों का क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 सिलेक्शन टेस्ट। यहाँ पे देखिए, सैटरडे 29 अप्रैल 2023 एट 11:30 AM। तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट है, इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है कि 29 अप्रैल को आप लोगों की एग्ज़ाम हो जाएगी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि द लास्ट डेट और टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 जनवरी 2023। तो 31 जनवरी आप लोगों की जो है ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट रहने वाली, ये डेट आप लोग ध्यान रखें। ओके गाइस, देन यहाँ पे देखिए, अब ऑनलाइन आवेदन कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये रहा आप लोगों का नवोदय का ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग गूगल पे डाल सकते हो नवोदय .gov.in, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या किसी अपने नज़दीकी कैफे में जाके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। ओके, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फॉर्म, JPG फॉर्मेट ऑफ साइज बिटवीन 10 to 100 KB। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो फोटोग्राफ लगेगी, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स लगेंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लगेंगे, आधार डिटेल्स, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी मूल निवासी का जो है आप लोगों का डिटेल्स लगेगा। ओके, इतने सारी आप लोगों को जो है आवेदन यानी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक दे दी जाएगी। किसी भी प्रकार की और जानकारी आप लोगों को लेना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। देन गाइस, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे हल करवाया जाएगा। सारी की सारी आप लोगों को जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगामी सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।